इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके ASUS ROG Phone 2 के अंदर बैकलाइट नहीं चल पाती है या फिर आपके ASUS ROG Phone 1 के अंदर आपकी बैकलाइट नहीं चल पाती है तो क्या इशू रहते हैं इस चीज़ के अंदर, ये नॉट वर्किंग होती है, जल ही नहीं पाती, तो क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं जो एक सबसे बड़ी कंडीशन मानता हूँ वो ये वाली है यहाँ पर एक्स मोड की। अगर यहाँ पर आप लाइटिंग स्टार्ट करे रखेंगे बट अगर आपका एक्स मोड स्टार्ट नहीं है यहाँ पर ये वाला, तो आपका यहाँ पर जो है आपकी जो सिस्टम है वो लाइटिंग नहीं करेगा बैक साइड में। और अगर यहाँ पर आपका एक्स मोड जो है आपका बंद है तो नहीं चालू करेगा, और चालू है तो यहाँ पर 90% तक ये वर्क करेगा, आपके बैक साइड में जो है लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइटिंग एक्स मोड और यहाँ पर लाइटिंग जो है आपकी सिस्टम लाइटिंग दोनों स्टार्ट होनी चाहिए तभी ये चल पाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कुछ अपडेट, अगर फ़िलहाल तो भी ऐसे आए नहीं हैं, लेकिन अगर ये आ जाए ऐसे सिस्टम में जो अपडेट होते हैं तो उसको अपडेट कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, क्योंकि इसी तरीके से अपडेट में भी ये एरर आ जाते हैं। सिस्टम अपडेट में जाइएगा और अपडेट कर लीजिएगा अपने फ़ोन को फुली, तो उसके बाद आपका कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरे ओपिनियन से तो बस यही इसी तरीके का एरर आता है, बाकी और कोई एरर नहीं आता। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।